A wonderful good evening to all of you. This is Kostubho Maranda. I am welcoming to all of you in a wonderful talk series. And the first topic is journey of universe from zero to infinity. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने यहाँ सेलेक्ट करा है जिसका नाम है जर्नी ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और ये मौका इसलिए साथ मिल रहा है जो कि हम लोग लॉकडाउन के तीसरे फेज में आ जाए हैं। आज पहला दिन है उसका, तो मैंने सोचा एक ऐसी इंटरेस्टिंग टॉक सीरीज बनाता हूँ। केवल इसमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ें भी हैं, कुछ फिक्शन जैसा भी है, लेकिन आप उसके बारे में इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट जीरो विच इज़ द एटम। वी ऑल नो दैट एटम विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड हैविंग डिफरेंट ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। बट एटम इज अ स्मॉलेस्ट थिंग विच इज इनडिविजिबल, वी ऑल नो दैट। अभी ये वेरीफाई थ्योरी कहती है। फिर एटम से क्या बनता है? इफ टू और मोर एटम्स कंबाइन टूगेदर देन दे आर फॉर्म मॉलिक्यूल्स, देन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म सब्सटेंस, एंड सब्सटेंस कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म द मैटर विच इज नोन एज द यूनिवर्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जीरो से इनफाइनाइट, यानी कि जीरो का मतलब वो एटम और इनफाइनाइट का मतलब वो यूनिवर्स जिसकी गहराइयों के बारे में हम जानते ही नहीं है। बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि इस पूरे यूनिवर्स का जो हम जानते हैं वो केवल 4%, 96% क्या है बिल्कुल हम नहीं जानते। बिल्कुल कैसे हम नहीं जानते, क्यों नहीं उसके बारे में बता सकते? एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ। एक ऐसे कमरे की कल्पना करिए जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, देयर इज अ कंप्लीटली डार्कनेस, और मैं आपसे उस जगह पर पूछूं बताओ इस कमरे में क्या क्या है, आप बताने में समर्थ नहीं है। और अगर आप बताने में समर्थ नहीं है तो आपको क्या चाहिए? आपको जरूरत होगी लाइट की। लाइट से आप देख के बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर क्या है। सिमिलर वे पे ऐसे यूनिवर्स में जहाँ पर लाइट नहीं है, देन वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, वहां पर क्या है हम नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा यूनिवर्स जिसका केवल 4% हम जानते, 96% हम क्या है हम नहीं जानते। लेकिन इंटरेस्टिंग है, हमेशा से जानना समझना सीखना हम लोगों को कहीं ना कहीं जो है मजबूर करता रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिज्ञासाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको पढ़ने को, इसको समझने की ओर अग्रसित करती हैं। जाने कितने लोग ऐसे मुझसे जुड़े हुए हैं जो कि रात रात भर अपना टेलीस्कोप लेके इस आकाश की, इस ब्रह्मांड की गहराइयों को देखते रहते हैं, कुछ समझते रहते हैं। ऐसे यही शायद गैलीलियो गैलीलियाई ने भी किया था। गैलीलियो गैलीलियाई एक पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देख के बताया कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर की बात करें तो वो सन है, और सन के चारों तरफ अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। उस समय उस दौरान ये कहा जाता था, उनके यहाँ जो उनके रिलीजियस जो बुक्स होते थे, लिटरेचर था, उसके अकॉर्डिंग अर्थ को सेंटर माना जाता था, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। बट उन्होंने इस थ्योरी को गलत करार दिया, इसकी सजा भी उनको भुगतनी पड़ी, उनको कारावास भी हो गया, उनको मजबूर किया गया कि नहीं आप इस थ्योरी को गलत नहीं कह सकते। लेकिन वो अपना उनका टेलीस्कोप द्वारा देखा गया अपना अनुभव था, ये सच्चाई थी, शायद आने वाले समय में वो सच्चाई माननी पड़ी। तो ऐसे गैलीलियो गैलीलियाई जैसे साइंटिस्ट ने क्यूरियोसिटी की एक कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक आग जला के रखी हुई है जो हमें मजबूर करती है उस अनंत ब्रह्मांड की ओर देखने के लिए। अब आज जीरो से इनफाइनाइट के इस जर्नी को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आप से। हम कैसे बने? हम जानते हैं अपने शरीर में, हमारे शरीर में क्या है, ये अस जिसको हम देखते हैं, और क्या है, बोन्स हैं, और हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। और वो एनर्जी कैसे हमको मिल रही, वो एनर्जी डिफरेंट टाइप के जो आप चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें लेते हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमको एनर्जी मिलती है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो हमारी अपनी एक बॉडी है जिसका एक मास है और साथ में हमारे साथ एक एनर्जी है। लेकिन कल्पना करिए जब हम लोग न्यूरॉन्स की बात करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनका नंबर कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर्स आप मान सकते हैं न्यूरॉन्स का, मिलियंस एंड बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो बिल्कुल एक शरीर है, एक शरीर भी हमारा एक यूनिवर्स है जिसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो हमारे शरीर के अंदर है। तो हम काम कैसे कर रहे हैं, तो काम ऐसे कर रहे हैं कि हमारा एक कंट्रोलिंग बॉडी है जिसे हम अपना ब्रेन कहते हैं। इस ब्रेन्स में जो आपकी जो ब्लड है, ब्लड को ले जाने वाली जिन्हें आप रक्तवाहिनियाँ कहते हैं, जो ये जो
न्यूरॉन्स के फॉर्म में ये जो ब्रेन है हमारा, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को क्या भेजता है, जो है काम करने के लिए उसके होने का एहसास कराता है। ये काम करते हैं न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में हमारे ब्रेन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, हम उसको जानते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स को, जिसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, हम खुद, यूनिवर्स का मतलब हम खुद एक तरीके से किसी एक पार्टिकुलर ब्रेन की तरह हैं। यानी कि यूनिवर्स इज लाइक अ ब्रेन, जिसमें जाने कितनी गैलेक्सी, जाने कितने स्टार्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स और इनका जो पूरा एक तरीके से जो कहते हैं ना, एक हम जो गैलेक्सीज वगैरह बनाते हैं उनको कनेक्ट करते हैं अलग अलग शेप में, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एक तरीके से वेसल्स की तरीके हैं सारे। तो देखिए, इसको इमेजिन करके देखें तो आपको कितना अजीब सा लगेगा। हमारे शरीर में भी वही है, हमारे शरीर में भी एटम्स हैं, जो सबसे छोटी यूनिट है, एटम्स हैं, देन एटम्स से फिर मॉलिक्यूल्स हैं, पढ़ते हैं हमारी बॉडी में जाने कितने केमिकल हैं, हम सब जानते हैं। H2O सबसे ज़्यादा है, अभी जानते हैं नाइट्रोजन भी है हमारे शरीर में, क्या नहीं है हमारे शरीर में, यानी कि एटम्स हैं, देन मॉलिक्यूल्स हैं, फिर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स बना रहे, पार्टिकल्स से सब्सटेंस बन रहा, सब्सटेंस से फाइनली हमारी ह्यूमन बॉडी का मेटल बन रहा है। सो एक चीज़ और समझ में आती है कि हमेशा हम चीज़ों को डिवाइड किस में कर सकते हैं, सिर्फ दो चीज़ में कर सकते हैं, एक तो मैटर, दूसरा एनर्जी, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? E=mc2। सी आइंस्टीन का अपना थ्योरी थी E=mc2, ये आप तो सब लोग जानते हैं। यानी कि हमारे पास मास है तो हमारे पास एनर्जी है, और हमारे पास एनर्जी है तो हमारे पास मास है, इन दोनों से एक भी चीज़ नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी फ्लैट हो जाएगी, यानी कि बॉडी बॉडी बन जाएगी। वी ऑल नो दैट कि डेथ के समय शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उस मास का कोई मतलब नहीं है, उसको भी आखिरकार आप दफना देंगे या जला देंगे, फाइनली वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होना है। एंड एक्चुअली किसी ने बहुत अच्छा मेरे से एक बार बताया था कि द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड मास को हम सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं जो है आदमी के जन्म और मृत्यु के आधार पर। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय हम कह सकते हैं एनर्जी का कन्वर्जन मास में हुआ, और जब कोई ख़त्म हो जाता है तो दो ही तरीके हैं, या तो दफना दिया जाए या जला दिया जाए। इन दोनों तरीकों में क्या होता है कि मास का वापस कन्वर्जन किस में हो जाता है, एनर्जी में हो जाता है। तो इस जो एक जो जर्नी है ये एटम से इस यूनिवर्स की, ये जर्नी हमारे शरीर के अंदर भी है। अगर हम अपने शरीर को जोड़ के उन सारी चीज़ों के साथ शुरू करें स्टडी करना, अध्ययन करना उनका शुरू करें, तो आप ऐसा पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो हम जितना अपने शरीर का अध्ययन करते हैं कहीं ना कहीं वो रिलेवेंट है उस यूनिवर्स के बारे में, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हम अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और उसकी तुलना में ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, नहीं जानते हैं कि कितनी ही हमारे जैसी अर्थ और हो सकती है, जहाँ तक हम, हमारी पहुँच नहीं, हमारी रीच नहीं है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये यूनिवर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमेशा अपनी तरफ, अपनी गहराइयों की तरफ खींचता है। इसमें बहुत कुछ जो डार्कनेस है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, और एक कहीं ना कहीं हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं वो इल्यूजन भी है। वो सबसे बड़ा इल्यूजन तो आपका ब्लू स्काई है, नीला आकाश जिसे आप देखते हैं, और आप जानते हैं कि आकाश वास्तविकता में नीला नहीं है। जैसे ही आप अर्थ के सरफेस को छोड़ कर अर्थ के एटमोसफेयर से बाहर जाएंगे, आपको सब कुछ डार्क दिखेगा, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो ये इल्यूजन है, यानी कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इल्यूजन है, और इस रियलिटी से बहुत दूर है। कैसे आप मान सकते हैं कि जीरो से इनफाइनाइट तक फैले हुए यूनिवर्स को कोई मैनेज नहीं कर रहा है? मैंने कहा फिर से आप कल्पना करिए कि हमारा ये ब्रेन है, हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रिक पल्सेस के रूप में जो लगातार काम कर रहे हैं। क्यों ना हम इस यूनिवर्स को भी ब्रेन के तरीके मान सकते, जहाँ पर मिलियंस ऑफ स्टार, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि न्यूरॉन्स की तरह ही हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कोई ऑपरेट करना है। कौन ऑपरेट करना है ये हम नहीं जानते। तो ये एक क्वेश्चन के साथ आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं कि ये जीरो से इनफाइनाइट तक का असर है, और ये आपके टेक्स्ट बुक के बाहर की दुनिया है, जो आपको इस लॉकडाउन के दौरान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट उनको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, आप समझेंगे, मजा आएगा। तो इस अपनी साइंस और अपनी फिजिक्स जो आप पढ़ते हैं, या साइंस की कोई और भी ब्रांच, उसको इस इंटरेस्टिंग में भी सोचिए। तो आज की जर्नी थी ये जीरो से इनफाइनाइट, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हाइपोथेटिकल भी हो सकती हैं, लेकिन सोची। अगली वीडियो के साथ कल आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।